हे एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम टू अनदर फैशन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का गाइज ये वीडियो होने वाला है अमेजोन से। एंड सबसे पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अमेजोन पे गाइज अभी सेल लगने वाली है, प्राइम डे सेल, जो कि 23 and 24 जुलाई को है। गाइज बहुत अच्छा टाइम है शॉपिंग करने का। अभी जो भी कुर्ता सेट मैं शेयर कर रही हूँ आप विशलिस्टेड कर सकते हैं, एंड आप उसको अपने कार्ट में ऐड करके जब आपको लगे सेल आए तब आप शॉपिंग कर सकते हैं। So, चलिए आज का वीडियो होने वाला है गाइज, कुछ इसमें एम्ब्रॉयडर्ड सेट भी हैं, पार्टी वेयर भी हैं, ऑल्सो कुछ कैजुअल भी हैं। सारा ये मिक्स्ड हॉल है। सो वन बाय वन शेयर करते हैं। सो वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज इस चैनल पे मैं हॉल वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है डच ऑफ गर्ल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज, ये जो कुर्ता मैंने अभी वेयर किया हुआ है, ये कुर्ता मैंने अपनी एक लास्ट जो एथनिक वेयर वीडियो मैंने शेयर किया है अमेजोन से ही, उसमें मैंने शेयर कर दिया है। मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ये कुर्ता आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द सो फर्स्ट जो है गाइज, ये एक पिंक कलर की कुर्ती है एंड इस पर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे की हुई है। बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल्सो गाइज, ये इस पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के थ्रेड से ही एम्ब्रॉयडरी की हुई है। यहाँ पे देखेंगे स्लीव्स पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ इसकी अच्छी है। ये अनारकली टाइप आपको कुर्ती मिल जाएगी, घेर भी आपको इस पर मिलेगा। ये काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है, मेरे एंकल लेंथ तक गाइज आ रही थी। इसके साथ में आप कोई भी डार्क कलर की प्लाजो आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं, पैंट, प्लाजो, कुछ भी वेयर कर सकते हैं। बट मैंने इसको थोड़े से फ्लेयर्ड वाली प्लाजो के साथ वेयर किया था, मरून कलर की प्लाजो थी मेरे पास, उसके साथ वेयर किया था। उसके साथ भी गाइज जो कॉम्बिनेशन था काफी अच्छा लग रहा था। एंड बैक साइड से गाइज ये पूरी आपको ये प्लेन मिलेगी, थोड़ा सा आपको लग सकता है बिकॉज लाइट शेड है, कॉटन रेयन मटेरियल है इसका, मटेरियल काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, ऑल्सो सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल भी हार्शनेस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं आई है। ऑल्सो गाइज, अगर आप इसे वॉश भी करेंगे तो भी गाइज इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है ज्यादा, बिकॉज काफी अच्छा घेर भी दिया हुआ है। इनकेस अगर थोड़ा बहुत श्रिंक भी होता है तो भी ज्यादा कोई इशू नहीं होने वाला है। मेरा जो इसमें साइज है गाइज वो है एम साइज, एंड एम साइज मुझे परफेक्ट आया। तो क्वालिटी, फिटिंग वगैरह सब कुछ इसकी अच्छी आई है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। गाइज डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, एक वीडियो में जो भी कुर्ता मैं शेयर करती हूँ आपको भी दिखाती हूँ, कुर्ता जैसा मुझे रिसीव होता है वैसा ही मैं शेयर करती हूँ। एंड अगर इनकेस आपको कोई भी इशू आता है तो आप उसे इजिली रिटर्न एंड एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। फिर भी अगर आपको मंगाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको अच्छा नहीं लगता वेयर करने के बाद या मटेरियल से प्रॉब्लम होती है तो आप उसे इजीली रिटर्न एंड एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है गाइज, ये एक अनारकली सूट है। आजकल गाइज प्रिंट ऑन प्रिंट भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आ गया है वापस से। तो ये इसमें आपको ये अनारकली टाइप कुर्ता मिलेगा, इस पे जो प्रिंट दिया हुआ है ये मटेरियल में ही किया हुआ है प्रिंट, काफी अच्छा है, वॉशेबल है, आप वॉश भी कर सकते हैं। ऑल्सो ये काफी अच्छा इसमें घेर भी आपको मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएगी, पूरे कुर्ते पे आपको यही प्रिंट मिलेगा। साथ में मिली है गाइज इसके पैंट, सो पैंट में आपको दोनों साइड ना वेस्ट लाइन पर इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन इसमें आपको मिल जाएगी, पॉकेट वगैरह नहीं दी हुई है, बट यहाँ पे आपको, सॉरी इसके साथ में प्लाजो है गाइज, सो यहाँ पे आपको इतनी आपको ये घेर मिल जाएगी प्लाजो में। प्लाजो का मटेरियल सेम कुर्ते वाला ही मटेरियल है, प्रिंट वगैरह सब कुछ सेम है, क्वालिटी भी सेम है। साथ में मिला है गाइज इसके दुपट्टा, सो दुपट्टा भी आपको ये कॉटन ही मटेरियल का दुपट्टा मिलेगा जिसपे कुछ कुछ प्रिंटेड प्रिंट किया हुआ है, मींस सो ये भी मटेरियल में ही किया हुआ है, अच्छा है गाइस पूरा का पूरा सेट। मैंने इसमें एम साइज ऑर्डर किया था, एम साइज गाइस थोड़ा सा अपने साइज से लूज है, तो आप इसमें अपने साइज के अकॉर्डिंग, मींस अगर मेरे जैसे हेल्दी हैं तो एस साइज भी इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। सो इसको भी मैं रेकमेंड कर रही हूँ बिकॉज अभी तो गाइस इसकी क्वालिटी कॉटन मटेरियल है, अच्छा लग रहा है देखने में एंड वेयर करने में भी अच्छा लग रहा है। आप इसको ज्वेलरी के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये इस टाइप के जो सूट होते हैं गाइस उन्हें आप कैजुअल भी वेयर कर सकते हैं एंड अच्छी ज्वेलरी के साथ आप कुछ ओकेजन में भी वेयर कर सकते हैं। सो रक्षाबंधन वगैरह आ रहा है गाइस, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ गॉडी टाइप का नहीं वेयर करना है, हैवी नहीं वेयर करना है, तो इस टाइप के सिंपल एंड सूट भी आप वेयर कर सकते हैं। गाइस ये टू पीस में रिसीव हुआ है, इसका कलर एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है जैसा आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम इसका कुर्ता ओपन कर लेते हैं। सो गाइस कुर्ते पे ना आपको बहुत ही अच्छी फाइन यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, पास से भी दिख लीजिए गाइस, काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी इस कुर्ते में आपको मिल जाएगी। ये कुछ अंगरखा स्टाइल में यहाँ पे डिजाइन दिया है, ऑल्सो ये टेसल्स इसमें
दिए हुए हैं इतने सारे। ये काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है, मीन्स आप इसको बोल सकते हैं कि ये पूरा जो लॉन्ग गाउन टाइप का होता है उस टाइप का है, बट थोड़ा सा असिमेट्रिकल डिज़ाइन है इसका, साइड से थोड़ा सा ऊंचा है एंड फ्रंट से बैक से इसका है ना जो पार्ट है वो थोड़ा सा लो है, तो अच्छा लग रहा था। इसके साथ में इसका जो मटेरियल है कॉटन रियॉन है, बार बार इसको आयरन आपको करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे भी ये लेस लगाई हुई है, इसमें ये लेस लगाई हुई है जिससे थोड़ी सी फेस्टिव वाइब आ रही है इसको देख के। सो इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो आपको दिख रही होगी ना, काफ़ी अच्छी की हुई है। बैक साइड से भी गाइज इसी तरह से आपको ये पूरा कलर है बट प्लेन प्रिंटेड, वो प्लेन मिलेगा आपको, एंड स्लीव्स पे आपको ये गोटा पट्टी वाला डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके साथ में गाइज मिला है पिंक कलर का दुपट्टा, दुपट्टा जो दिया हुआ है गाइज ये शिफॉन मटेरियल का दुपट्टा है। ऑल्सो पूरे दुपट्टे पे ये लेस लगाई हुई है जो कि ब्लू कलर की एंड गोल्डन कलर की लेस है, ये पूरे के पूरे मटेरियल पे लगाई हुई है। दुपट्टा गाइज कैरी करने में अच्छा लग रहा था, वेयर करने में लेंथ विड्थ सब कुछ अच्छी लगी है मुझे इसकी। सो ये सूट अच्छा है, बट इसके साथ में गाइज कोई पैंट रिसीव नहीं हुई है, बट अगर आपके पास पिंक कलर की लेगिंग्स है तो आप इसके साथ में वेयर कर सकते हैं, अदरवाइज सूट बहुत अच्छा है। क्वालिटी जो मुझे अभी देखने में लग रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, छोटे मोटे ओकेजन में पार्टीज में आप इसको वेयर कर सकते हैं। ऑल्सो काफ़ी कम प्राइस में भी मुझे रिसीव हुआ है गाइज, ये 3 पीस में रिसीव हुआ है। सबसे पहले हम इसका कुर्ता ओपन कर लेते हैं। सो कुर्ते पर आपको काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी दिख जाएगी जो कि एम्बेलिशमेंट्स लगाए हुए हैं स्टार वाले जो कि आपको पास से दिख रहे होंगे, एंड थ्रेड से भी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड पूरे कुर्ते पे आपको यही वाला प्रिंट मिलेगा, ये प्रिंट मटेरियल में ही किया हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे आपको स्लीव्स पे ये बॉर्डर मिल जाएगा, बैक साइड भी आपको यही छोटा छोटा प्रिंट मिल जाएगा। अच्छा लग रहा था कुर्ता, एंड साइड में ना आपको स्लिट भी मिल जाएगा एंड स्लिट में ये बॉर्डर मिलेगा आपको। एंड इसके साथ में मिली है गाइज पैंट, सो पैंट पूरी आपको प्रिंटेड मिलेगी। ये जो कुर्ते का मटेरियल है गाइज ये कॉटन मटेरियल है, कॉटन रियॉन मटेरियल है। साथ में इसकी जो पैंट मिलेगी वो भी कॉटन मटेरियल की पैंट है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन इसमें आपको मिल जाएगी एंड पूरे पे ये प्रिंट किया हुआ, ये प्रिंट मटेरियल में ही किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे आपको इतना ये नैरो मिल जाएगा। साथ में मिला है इसकी दुपट्टा, सो दुपट्टा भी कॉटन ही मटेरियल का है जिसपे सेम पैंट वाला ही प्रिंट किया हुआ है। ये दुपट्टा गाइज पूरा ना ऐसे रोल करके आया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक है अभी, तो इसको आपको आयरन करने के बाद आप वेयर कर सकते हैं। दुपट्टा लेंथ विड्थ वाइज बहुत अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। अच्छा लग रहा था ये पूरा का पूरा सूट, छोटे मोटे ओकेजन में भी वेयर कर सकते हैं, ऑल्सो कैजुअली भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। मेरा जो इसमें साइज है वो है एम साइज एंड एम साइज मुझे परफेक्ट है। जो है गाइज ये आपको एक वाइन शेड की कुर्ती मिलेगी, वाइन शेड मीन्स काफ़ी फेस्टिव वाइब्स आती हैं उसको देख के। वाइन कलर काफ़ी डार्क ब्राइट कलर होता है तो अच्छा लगता है किसी भी फेस्टिव उसमें आप पार्टीज में वगैरह वेयर करते हैं तो। सो यहाँ पे आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी मिलेगी गाइज, देख लीजिए पास से ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, पास से देख लीजिए। ऑल्सो गाइज ये जो पूरे कुर्ते पे प्रिंट किया हुआ है ये प्रिंट फॉयल प्रिंट किया हुआ है, तो इसको आप डेलिकेट पे ही वॉश करें, अदरवाइज ये प्रिंट धीरे धीरे निकल जाएगा। हार्शली तो वॉश आप करें ही नहीं, डेलिकेट पे ही आप इसे वॉश करें। ऑल्सो इसके स्लीव्स पे देखेंगे तो ये यहाँ पे सेम जो डिज़ाइन आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दिख रही है इसी टाइप की एम्ब्रॉयडरी, ऑल्सो मिरर्स लगाए हुए हैं फॉयल वाले। बैक साइड से भी गाइज इसी तरह से आपको ये पूरा फॉयल प्रिंट इस पर मिल जाएगा। अच्छी लग रही थी गाइज कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आ रही थी, मैंने इसको एक सिल्वर कलर के पैंट के साथ वेयर किया था तो काफ़ी अच्छा लुक भी इसका आ रहा था। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हाईली रेकमेंड, बट ध्यान रखें इस पर फॉइल प्रिंट किया हुआ है। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।